टाइम हो रहा है, मौसम बहुत सही हो रहा है, धूप तो उतनी है नहीं अभी, तो जाने का मजा बहुत आ रहा है। और अभी तो एग्जाम का बहुत एग्जाम का स्ट्रेस है ही नहीं, अगर आपसे एग्जाम और कोई दिक्कत की बात है। चलो पहुँचते हैं पंडित ढाबे पे, वहाँ के पराठे खाते हैं, चाय पीते हैं, मजा आएगा। जी हम गांधी बाग क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ का सबसे बड़ा घूमने वाले जगहों में से एक है मेरठ के। और गाइस हम आ चुके हैं पंडित ढाबे पे अभी मॉर्निंग के टाइम में, तो अब चलो अंदर देखते हैं, कुछ बैठ के खाते हैं, फिर खा के निकलेंगे, फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान बनता है। तो चलो अंदर चलते हैं। दाल पे फोकस कर रहा हूँ, रुक गया खाने दे भूखे को। इसकी शक्ल दिखा रहा है, दिखात आ रहा है इसका, मैं बुद्धि जूम कर रहा है, सारी पिक्सल खराब कर देगा, बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं, बेअकल इंसान है कसम से। खुद ट्राई करियो फिर मेरे से मिलियो। पंडित ढाबा से मैं आ चुका हूँ और अब जो है कॉलेज के लिए तैयार होना, क्योंकि आज मैथ्स का एग्ज़ाम है। तो कितना टाइम हुआ, हाँ ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं नहा तो लिया ही हूँ और अब फटाक से चलता हूँ, तैयार हो जाता हूँ, फिर आपसे कॉलेज के आने के बाद ही मिलूँगा, क्योंकि अभी कब पहुँचूँगा कॉलेज और कैसे पहुँचूँगा, क्योंकि कौशिक तो चला गया, कौशिक की बाइक में तेल है नहीं और उसके पापा वैसे भी ले जा रहे हैं बाइक, और शोएब को यशवंत ले जाएगा, तो टेम्पो से ही जाना पड़ेगा, अब टेम्पो फोन है नहीं, तो डायरेक्ट कॉलेज से आने के बाद ही मिलूँगा मैं आप लोगों से। चलो एग्ज़ाम दे के मिलता हूँ आपसे। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ, मतलब क्या कहते हैं, कॉलेज से, और एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा बेहतरीन हुआ, मतलब मज़ा आ गया। जो हमारा जो डिपार्ट मतलब ब्लॉक था वो एफ ब्लॉक था, तो क्या पेपर आया था, मतलब इतना इजी पेपर था कि सर ने खुद ग्रुप में बोला कि इसमें जो पास नहीं होगा उसका मतलब मैथ्स में पढ़ना बेकार है, ऐसा इजी पेपर दिया था, मज़ा आ गया पेपर देने में। और जो नहीं आ रहा था पूरी क्लास चीटिंग में लगी थी, टॉपर से टॉपर लोग भी चीटिंग मार रहे थे और एक दूसरे को शेयर कर रहे थे। हमारे क्लास में तो टीचर भी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि मैथ्स में जानते हैं कि हाँ बच्चों का इतना थोड़ा वीक होता है, तो मज़ा बहुत आया। अब देखते हैं, अगर शाम को कहीं जाने का प्लान होगा तो चलेंगे गंगानगर, फिर उससे मिलूंगा मैं, अगर जाना होगा तो जाने का प्लान है वैसे, देखते हैं कितने बजे निकलते हैं और कितने बजे पहुँचते हैं, तो तब तक आराम करते हैं और क्या, फिर मैं डायरेक्ट अगर निकलूंगा तो फिर वहीं मिलूंगा। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 7:30 और मैं आ चुका हूँ यहाँ पे पार्क घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ, और क्या कहते हैं, आज हमारा मैथ्स का पेपर था, बहुत अच्छा गया, तो अब
आगे कौशिक से पूछते हैं, कौशिक ने बहुत हेल्प की मैथ्स के पेपर में। मैथ्स का पेपर काफ़ी इजी आया था इस बार, और टोटल तीन सेक्शन थे, ए बी सी। ए में हमारे पास दो दो मार्क्स के थे, बी हमारे पास चार मार्क्स का था, सी हमारे पास सात मार्क्स का था, और ये सब्जेक्ट था मेरे आगे बैठा था। इससे मैंने इतना कहा भाई चीटिंग कर ली, लेकिन ये हमारे मिश्रा जी इतने ईमानदार है, मिश्रा जी ने एक रुपये की चीटिंग नहीं करी। लेकिन वो बात अलग है, इसकी बैक नहीं आन दूंगा। कौशिक भी ईमानदार नहीं है थोड़ा, कौशिक तो कौशिक ने कराई चीटिंग जबरदस्ती। मेरे पीछे सोहेब बैठा था, तब का पेपर अच्छा गया है, मेरे सब बढ़िया मार्क्स का आज। मतलब भाई सुबह सुबह हम पंडित ढाबा गए और एग्जाम देने चले गए, किसी को कोई टेंशन ही नहीं। गाइस, और मैं और ये छोटू सा हमारा छोटा बच्चा प्यारा सा जिसकी दाढ़ी नहीं आ रखी, हम आ गए हैं घूमने इतने प्यारे मौसम में, और अभी हम वेट कर रहे हैं सोहेब का, ये आएगा अभी। हम इस गाइस, मेरे आने के बाद तो इतनी ज़्यादा धूप थी, और अभी जाके थोड़ी मौसम ठंडा हुआ है, बारिश की तो कोई संभावना लग नहीं रही है, बाकी देखते हैं क्या हो सकता है। अभी टाइम हो रहा है 15 मिनट में 12 बज जाएंगे, तो भाई का भी बर्थडे आने वाला है, तब तो और मज़े आएंगे, पूरा स्टोरी लगाऊंगा। तो अब चलो, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ब्लॉग पसंद है तो ब्लॉग को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से प्यार बढ़ता है, तो कर लिया करो। तो फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, नए कंटेंट के साथ, और भाई का बर्थडे का ब्लॉग में के भी लेके। तब तक के लिए बाय बाय।